अब ये नहीं कह सकते कि शाकाहारी शुद्ध है कि मांसाहारी है कि सर्व, सबको बीमारी हो रहा है। तो हमको लगता है एकरे में ढेर बीमारी हो गया है। भारत में बहुत लोगों को देखिएगा शाकाहारी 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 करेंगे, तनी जाके रेगिस्तान में करो ना अफ्रीका में, तो उनके जीवन काल भी ज्यादा नहीं होता है। देखिएगा ना मांसाहारी लोग, शेर बाघ है तो ज्यादा दिन नहीं जीता है सर, मांसाहारी में और ज्यादा होता है। देखिए जो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं इन्हें बीमारियों की होने की संभावना कम होती है। रीजन क्या है कि इन्हें वही बीमारी होगी ना जो इसके पास होगा। अगर बीमारी का ट्रांसफर होना होगा तो अगर इसमें कोई बीमारी है तो अमूमन उसकी बीमारी इसमें नहीं आती है, लेकिन संभावना है ना कि इससे ट्रांसफर इसमें होगा। लेकिन जो सर्वाहारी है लोग उसमें हयो वाला बीमारी आ जाएगा, आहू वाला बीमारी आ जाएगा, यानी भात और मुर्गा दोनों खा रहे हैं, सपोज कीजिए दोनों में बीमारी फैलल है तो भात वाला भी आएगा और मुर्गा वाला भी आएगा, मुर्गा भात दोनों जाओ। सबसे कम बीमारी किस में आएगी? सबसे कम बीमारी उत्पादक में आएगा, सबसे कम बीमारी पेड़ पौधों में। इसलिए देखिए 40 साल 50 साल तक आराम से इसे न बेचारा को बुखार लग रहा है, न टाइफाइड हो रहा है, मलेरिया वलेरिया कुछ नहीं हो रहा है, जबकि सांप बिच्छू बानर सब उस पर चल रहा है, मधुमक्खी टेंशन ही नहीं है। उसके बाद शाकाहारियों में और कम बीमारियां होती हैं, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सर्वाहारी में थोड़ा ज्यादा होता है, मांसाहारी में और ज्यादा होता है, मांसाहारी में बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उनके जीवन काल भी ज्यादा नहीं होता है। देखिएगा ना मांसाहारी लोग, शेर बाघ है तो ज्यादा दिन नहीं जीता है सर, हाथी देखिए बहुत, गाय बहुत दिन, ठंडा उंडा मार के बीमारी उमारी लगा देते अलग है ना, पटना में तो प्लास्टिक खा लेती है सब बेचारी। एक्चुअल क्या होता है ना कि लॉज हॉस्टल पटना में ज्यादा है, यहाँ पे ऑनलाइन सिस्टम आ गया है, ऑर्डर कर दो जोमेटो स्विगी से, उसमें क्या होता है ना कि वो लोग खाना जितना जरूरत है उससे ज्यादा ही देते हैं, क्योंकि घट गया तो उनकी रेटिंग गिरा देगा कि भाई ये रेस्टोरेंट खाना ही कम देता है, तो थोड़ा बढ़ा के देते हैं। जो बच जाता है लोग प्लास्टिक में करके फेंक देते हैं, उनकी मजबूरी है प्लास्टिक में नहीं ले जाएगा हाथ से कैसे ले जाएगा आप, और फेंक देता है। अब गाय कूड़ादान को गिरा देती है, अब उसके बाद हाथ थोड़े जब खोलेगी, भूख लगा होता है प्लास्टिक सहित खा जाती है, अब प्लास्टिक उसके पेट में तो बहुत नुकसान करता है। अब ये नहीं कह सकते कि शाकाहारी शुद्ध है कि मांसाहारी है कि सर्व, सबको बीमारी हो रहा है, क्योंकि जो सब्जी उगा रहे हैं उसमें इतना ना दवाइयां डाल रहे हैं, इतना खाद डाल रहे हैं कि अब तो हमको लगता है एकरे में ढेर बीमारी हो गया है। नहीं जान जा गया शाकाहारी है कुछ कटहल खा रहे हैं, पता चले इंजेक्शन मार के बड़ कोई ले है, ले लिक्विड छिड़क के दे दिया है, अब तो ढेर इन्हीं लोग में बीमारी होने लगा, समझ गया। लेकिन भारत में ना चूंकि भारत एक हरित देश है, यहाँ खेती की अपार संभावनाएं हैं, हर तरह की सब्जी हर तरह का अनाज फल ड्राई फ्रूट अवेलेबल है, इसलिए भारत में बहुत लोगों को देखिएगा शाकाहारी 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 करेंगे, तनी जाके रेगिस्तान में करो ना अफ्रीका में, कहां से आप उसमें अफ्रीका में शाकाहारी कर पाएंगे जरा बताइए। तो कैक्टस होता है, तो ज्योग्राफी पे डिपेंड होता है, लेकिन अगर भारत में संभावना है तो बेटर होता है क्या चीज शाकाहारी, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब मांसाहारी में भी एक नया टाइप का निकल, मांसाहारी में एक दिक्कत क्या होता है कि देखो जितना जो बीमारी होती है वो ब्लड में होती है, आप देखे होंगे आपको कौन बीमारी है ब्लडवे जांच के बता देता है, देखेंगे ना कुछ बीमारी हुआ ब्लडवा निकालेगा सब बता देगा इसमें क्या है। तो जो जानवरों को काट दिया जाता है एक्चुअल उनका क्या निकाला जाता है ब्लड, वही वही मुर्गा आप काट के मारिएगा तो ब्लड निकल गया मर गया तो खा लीजिएगा, और लेकिन अगर ठंडा मार दिया मर गया तब नहीं खाइएगा, क्या है रह गया अंदर में, तो अंदर नहीं रहना चाहिए, ब्लड बीमारी का कारण बनता है, समझ में गया। आजकल एक नया टेक्नोलॉजी निकाला है करंट मार दे रहा है दिमागों पर झन से सोच रहा और ब्लड वहां अंदर रह गया, एक बार खटाक से उड़ा दिया उसके बॉडी ने पता ही नहीं किया, बॉडी को पता ही नहीं चला क्योंकि सारा आदेश कौन दे रहा था ब्रेन। एक पुराना टेक्निक है कि आधा काटता है ताकि ब्रेन आदेश देते रहे पूरा ब्लड फेंको, इसको कह दिया कि मुसलमान आधा काट के खा रहा है, हाई वाला पूरा ही हिंदू का, अजब हाल है यार भारत में हो तो शाकाहारी खाओ।
भारत में तो क्या करो सका, मतलब भोजनों में ना मैं इतना नौटंकी हो गया है ना जिसका कोई हद। अच्छा किसी को समझाने जाओ तो अपन आइडिया लेके बैठा ले नाथूराम गोडसे टाइप का, हमारा मानो नहीं तो तुम ही को उड़ा दे, नहीं समझे। हमारा काम आपको बायोलॉजी के हिसाब से समझाना है, मेरा काम धर्म के हिसाब से समझाना नहीं। आपको जैसे मन वैसे खाना है खाइएगा, लेकिन दो चीजों को अवॉइड कीजिएगा, ब्लड और दूसरा ऑर्गन। लोग कहते हैं कलेजी शौक से खाते हैं, कोई भी बीमारी अगर आएगी तो या तो किडनी में आएगा, लीवर में आएगा, फेफड़ा में आएगा, हार्ट में आएगा। मांस में का सुनेंगे, फलनी आदमी का मांस से खराब हो गया था, मर गए, हार्ट अटैक हुआ, टीवी में लंग्स फेलियर हुआ, किडनी फेलियर हुआ, लीवर फेलियर हुआ। आदमी वही शौक से खाता है कलेजी, लोग खो देखो कलेजी खो, खाना छोड़ दिए लोग। ऑर्गन में बीमारियों की संभावना ज्यादा और ब्लड में बीमारियों की संभावना ज्यादा, समझा गया कि नहीं। ऑर्गन में भी कोई हिंदू मुसलमान का कल्चर है कि कलेजी ये खाएगा और पथरी ये खाएगा, उसमें नहीं है? अरे उसमें भी बना दो काटने का डिजाइन अलग करिए दिया, खाने का भी डिजाइन अलग कर दो।